हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आपको इंटरनेट पे सर्च करने पर आसानी से नहीं मिलेगा। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आ नंबर ऑफ के बारे में, दी अमाउंट ऑफ के बारे में और दी नंबर ऑफ के बारे में। गाइस, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इनसे एरर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इनके प्रयोग में गलती करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए हुए हैं, अ नंबर ऑफ, दी अमाउंट ऑफ और दी नंबर ऑफ। दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बताता हूँ। अ नंबर ऑफ का जो प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। अ नंबर ऑफ का जो प्रयोग है वो बहुत ही अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें दी अमाउंट ऑफ का, इसका जो प्रयोग है बहुत ही अनिश्चित मात्रा के लिए किया जाता है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अगर हम तीसरे की बात करें दी नंबर ऑफ के बारे में, इसका प्रयोग जो है फ्रेंड्स वो निश्चित संख्या के लिए किया जाता है। यहाँ पर मैंने दिया भी है, अ नंबर ऑफ का प्रयोग जो है फ्रेंड्स अनिश्चित संख्या के लिए, और अगर हम बात करें दी अमाउंट ऑफ की तो इसका प्रयोग जो है अनिश्चित मात्रा के लिए किया जाता है, और अगर हम बात करें दी नंबर ऑफ की तो इसका प्रयोग फ्रेंड्स निश्चित संख्या के लिए किया जाता है। ये तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और इन्हीं के हिसाब से इनका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं, अ नंबर ऑफ। दोस्तों, ये बीच में एक पार्टीशन किया हुआ है, एग्ज़ाम में इसी तरह से एरर्स पूछी जाती है, उसके बाद फिर कुछ दिया होगा और उसके बाद फिर कुछ दिया होगा, इसमें से आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सेंटेंस है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, कहने का मतलब ये है बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो मौजूद हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट वाज प्रेजेंट, बड़ी संख्या में छात्र मौजूद थे। तो देखा दोस्तों, संख्या की बात आ गई जो कि अनिश्चित है, पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, इसमें एरर कैसे पकड़ते हैं इस पर बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में शुरू में या बीच में एज अ सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आपको दिख जाए, या इसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ, दोस्तों ध्यान रखें अगर ए आगे नहीं लगा होगा तो वहाँ पर इस तरह से होगा, लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो तो इसका मतलब ये है इसका प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है। दोस्तों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके बाद हमेशा, ये देखा आपने प्लूरल नाउन, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और उसी के हिसाब से प्लूरल वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में किया जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर किसी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में हो और उसके बाद यदि कोई नाउन हो तो वो नाउन सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, और उसी के हिसाब से प्लूरल नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब आएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखा दोस्तों, यहाँ पर जो बात हुई है वो अनिश्चित संख्या के लिए, बड़ी अनिश्चित संख्या के लिए हुई है, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर, अब ये सेंटेंस फ्रेंड सही हो गया है। इसका मतलब ये है बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो थे मौजूद थे। तो देखा दोस्तों, इस तरह से एग्ज़ाम में एरर पूछा जाता है। अगर यहाँ पर इन्होंने ये सही दे दिया है प्लूरल नाउन, तो फ्रेंड्स ये वर्ब में गलती कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्रोनाउन दिया होगा वो सिंगुलर दे देंगे, जो कि गलत होगा। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में एरर पूछी जाती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दी अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशेंट, पैसे की राशि पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, यहाँ पर एक अनिश्चित मात्रा के बारे में बात की गई है, और ये जो मनी है ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर कहीं पर भी आपको दी अमाउंट ऑफ दिख जाए तो इसके बाद जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको हम कभी काउंट नहीं करते, जैसे राइस हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, वाटर हो गया, एवरीथिंग, इस टाइप की चीज़ें जो भी हैं। अब इसका फ्रेंड्स जो डेफिनेशन है इस सेंटेंस को करने की वो देखते हैं। दी अमाउंट ऑफ, अगर किसी सेंटेंस में शुरू में या बीच में एज अ सब्जेक्ट दी अमाउंट ऑफ का प्रयोग हो, या इसके अलावा अ लार्ज अमाउंट ऑफ का प्रयोग हो, या फिर इसके अलावा ए ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ का प्रयोग अनिश्चित मात्रा के लिए होता है।
दोस्तों कहने का मतलब ये है, अगर आपको किसी सेंटेंस में द अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ दिख जाए तो इसका प्रयोग अनिश्चित मात्रा के लिए होगा। और इसके साथ फ्रेंड्स हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी सेंटेंस में दी अमाउंट ऑफ का प्रयोग होगा और उसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अगर यहाँ पर आपको काउंटेबल नाउन दिख जाए, जैसे बॉयज़ हो गया, काउज हो गया, गर्ल्स हो गया, वुमेन हो गया, मेन हो गया, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये इसके हिसाब से ये बिल्कुल राइट है दी अमाउंट ऑफ, और इसके साथ जो सब्जेक्ट आया ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। अब इन्होंने बोला है कि इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये नाउन जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पर आ जाएगा इज, नॉट सफिशिएंट, पैसे की राशि पर्याप्त नहीं है, इसका जो मीनिंग है वो ये निकल के आता है। तो दोस्तों देखा आपने, आपको ये चीज़ नोट करनी है, आपको याद करनी पड़ेगी, अगर किसी सेंटेंस में दी अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ और ए गुड डील ऑफ का प्रयोग होगा और उसके बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा, और उसी के हिसाब से सिंगुलर अनकाउंटेबल के हिसाब से ही सिंगुलर वर्ब सेंटेंस में आएगी। अब फ्रेंड्स हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, दी नंबर ऑफ। दोस्तों ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो है एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, द नंबर ऑफ बॉयज आर 40। सेंटेंस जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, इसका मतलब ये लड़कों की संख्या जो है वो 40 है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो ये 40 लिखा हुआ है, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करते हैं जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो 40 की स्पेलिंग ही गलत कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ FORTY, मैंने SSC का एक पेपर देखा था, उसमें स्पेलिंग एरर्स में 40 की स्पेलिंग उन्होंने पूछी थी, उसमें दिया हुआ था FOURTY, जिसमें स्टूडेंट्स ने टिक कर दिया और वो उनका ये गलत हो गया। तो दोस्तों चीज़ें आपको एक एक देखनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दी नंबर ऑफ बॉयज़ आर 40, इसका जो फ्रेंड्स रूल है वो देखते हैं, अगर किसी सेंटेंस का प्रयोग, सेंटेंस में दी नंबर ऑफ का प्रयोग हो, कहने का मतलब ये है अगर कोई सेंटेंस दी नंबर ऑफ से स्टार्ट हो तो इसका मतलब फ्रेंड्स होता है एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या के बारे में बात हो रही, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है दी नंबर ऑफ बॉयज आर 40, लड़कों की संख्या 40 है। इस सेंटेंस से पता चलता है कि जो संख्या है वो 40 है, इसलिए यह निश्चित हो गया। अगर कोई सेंटेंस दी नंबर ऑफ का प्रयोग हो, सेंटेंस में एक ही निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ये इसी तरह से है, इसके बाद जो ये जो नाउन होगा ये प्लूरल ही आएगा, लेकिन जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। इस सेंटेंस को आप एक अपवाद के रूप में समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम देखे हैं लोगों के उठा करके, तो उसमें इस क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर नाउन तो प्लूरल होता है और इसकी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। सिंगुलर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित संख्या के बारे में पता चलता है, इसलिए। तो इसका ये जो रूल है, अगर कोई सेंटेंस दी नंबर ऑफ का प्रयोग करके सेंटेंस में शुरू में आए या बीच में एज ए सब्जेक्ट आए, तो इसका जो यूज़ है वो निश्चित संख्या के अर्थ में होता है, इसके बाद हमेशा जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। तो ये सबसे बड़ी एरर है इस सेंटेंस में, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, ये जो तीन एग्जांपल दिए हैं, ये तीन ऐसे रूल हैं, इनके लिए एग्ज़ाम में कई सारे स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं लेकिन एंड टाइम पर इसको भूल जाते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर कोई वाक्य ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स ऑफ का प्रयोग हो किसी सेंटेंस में, तो इसका मतलब अनिश्चित संख्या के लिए होता है, इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगी वो भी फ्रेंड्स प्लूरल ही आएगी। लेकिन अगर हम बात करें दी अमाउंट ऑफ के बारे में, तो ये जो है एक अनिश्चित मात्रा का बोध कराता है। अगर कोई वाक्य दी अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ का प्रयोग अनिश्चित मात्रा के लिए होता है, इसके साथ हमेशा फ्रेंड्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से ही सिंगुलर आएगी।
तो दोस्तों दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है, इसमें आप देख सकते हैं इन दो सेंटेंसेस में, इसमें नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन इसमें वर्ब प्लूरल आएगी और इसमें ये सेकेंड सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर हम दी अमाउंट ऑफ की बात करें तो इसमें आपको यहाँ से पता चल सकता है कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल होगा और जो वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं समझने के लिए, लेकिन अगर आप एक बार ढंग से अच्छे ढंग से इसको कंटेस्ट कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और दोस्तों ये जो रूल है ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ लिया एक बार और काम हो गया, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा तभी आप इस टाइप्स के सेंटेंसेस में एरर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक वीडियो अ नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ के बारे में। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में। और दोस्तों हमारे चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, आप प्लेलिस्ट में जाकर के सब्जेक्ट वाइज और भी वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें काफ़ी रिसर्च करके हम जीके के क्वेश्चन भी बनाते हैं, यूपी स्पेशल जीके के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें दोस्तों हमारे जो भी वीडियोस हैं वो वीडियोस ऐसे हैं, उनको देखने के बाद आपके यूपी जीके से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैच हो सकते हैं, तो जाइए उसको वॉच कीजिएगा। और फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी और वीडियोज़ के साथ में, तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।